आवाज की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद रफी को आज भी याद किया जाता है। उनकी आवाज का जादू दुनिया में आज भी छाया हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें गायन की प्रेरणा एक फकीर से मिली थी। पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह गांव में 24 दिसंबर 1924 को एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में जन्मे रफी एक फकीर के गीतों को सुना करते थे, जिससे उनके दिल में संगीत के प्रति एक अटूट लगाव पैदा हो गया। मोहम्मद रफी के बड़े भाई हमीद ने रफी के मन में संगीत के प्रति बढ़ते रुझान को पहचान लिया था और उन्हें इस राह पर आगे बढ़ने में प्रेरित किया। लाहौर में रफी संगीत की शिक्षा उस्ताद अब्दुल वाहिद खान से लेने लगे और साथ ही उन्होंने गुलाम अली खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत भी सीखना शुरू कर दिया। हमीद ने कार्यक्रम के संचालक से गुजारिश की कि वो उनके भाई रफी को गाने का मौका दें। संचालक के राजी होने पर रफी ने पहली बार 13 वर्ष की उम्र में अपना पहला गीत स्टेज पर दर्शकों के बीच पेश किया। दर्शकों के बीच बैठे संगीतकार श्याम सुंदर को उनका गाना अच्छा लगा और उन्होंने रफी को मुंबई आने के लिए न्योता दिया। श्याम सुंदर के संगीत निर्देशन में रफी ने अपना पहला गाना सोनिये नी हीरिये नी पार्श्व गायिका जीनत बेगम के साथ एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए गाया। सोनिये नी हीरिये नी मिल कदी तू कली वर्ष 1944 में नौशाद के संगीत निर्देशन में उन्हें अपना पहला हिंदी गाना हिंदुस्तान के हम हैं पहले आपके लिए गाया। वर्ष 1949 में नौशाद के संगीत निर्देशन में दुलारी फिल्म में गाए गीत सुहानी रात ढल चुकी के जरिए वो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गए और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम। दिलीप कुमार, देवानंद, शमी कपूर, राजेंद्र कुमार, शशि कपूर, राजकुमार जैसे नामचीन नायकों की आवाज कहे जाने वाले रफी ने अपने संपूर्ण सिने करियर में लगभग 700 फिल्मों के लिए 26,000 से भी ज्यादा गीत गाए। मोहम्मद रफी ने हिंदी फिल्मों के अलावा मराठी और तेलुगु फिल्मों के लिए भी गाने गाए। मोहम्मद रफी अपने करियर में 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किए गए। वर्ष 1965 में रफी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए। 30 जुलाई 1980 को आसपास फिल्म के गाने शाम की उदास है दोस्त के पूरा करने के बाद जब रफी ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कहा शुड आई लीव, जिसे सुनकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अचंभित हो गए क्योंकि इससे पहले रवि ने उनसे कभी इस तरह की बात नहीं की। 31 जुलाई 1980 को रफी को दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया को ही छोड़कर चले गए।